हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आपका एसएसबी एस वेटनरी कॉन्स्टेबल का दोस्तों रिजल्ट आ चुका है अब जैसे रिजल्ट आ गया है तो दोस्तों आपको इसमें ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए कुछ भी समय नहीं दिया गया है दोस्तों एक तारीख से बंदों को स्टूडेंट्स को ट्रेड टेस्ट के लिए दोस्तों बुलाए जाने लगा है तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारी पी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ट्रेड टेस्ट के लिए डाल दी हैं जो भी भाई आज पहली बार हमारे साथ में जुड़ा है वो टेलीग्राम चैनल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से दोस्तों ज्वाइन कर ले और सारे पीडीएफ दोस्तों जल्दी से देख ले ताकि आपके ट्रेड टेस्ट में हेल्प हो सके और दोस्तों जितने भी भाई आज पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेलाइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में आप तक जल्दी से जल्दी जानकारी आ सके दोस्तों सभी भाई कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास लगा दो तो दोस्तों इस क्लास में अपन फटाफट से सौ के लगभग क्वेश्चन देखेंगे जो कैमल डॉग और दोस्तों हॉर्स के ऊपर होने वाले क्वेश्चन हैं जो आपके कॉन्स्टेबल ट्रे, ट्रे टेस्ट में दोस्तों नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आपका ये हेड कॉन्स्टेबल का नहीं है कॉन्स्टेबल का है इसलिए दोस्तों बेसिक जानकारी आपको रख लेना जरूरी है इन तीनों जानवरों की चलेगा दोस्तों फटाफट से अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला घोड़े के अमाश्य के कितने भाग होते हैं तो दोस्तों घोड़ा एक एरोमंथी प्रकार का जानवर होता है तो दोस्तों घोड़े के अमाश्य का केवल और केवल के के कितने भाग होते हैं एक भाग उपस्थित होता है अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों ऊंट के अमाश्य का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है तो दोस्तों ऊंट का जो ओमेज़म भाग होता है आमाशय का ये अनुपस्थित हो जाएगा मेरे दोस्तों ठीक है इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कुत्ता किस प्रकार का सजीव प्राणी है तो दोस्तों जो कुत्ता है अरुमंथी प्रकार का सजीव प्राणी है अर्थात ये मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला प्रथम पालतू पशु है या पूछा जाए प्रथम एरुमथी पालतू पशु भी तो दोस्तों कुत्ता हो जाएगा ठीक है उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं रोमंथी जानवरों में सत्या किसे कहा जाता है तो दोस्तों जो एबोमेजम होता है ये ट्रू स्टमक के नाम से जाना जाता है रूमिनेट्स एनिमल में एबोमेजम को दोस्तों ट्रू स्टोमक के नाम से जाना जाता है अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों ऊंट किस प्रकार का सजीव जानवर होता है तो दोस्तों जो ऊंट है ये सूडो रोमिनेट्स होता है आवासीय प्रकार का प्राणी होता है क्योंकि दोस्तों इसके आमाशय के तीन भाग उपस्थित होते हैं और एक भाग अनुपस्थित होता है कौन सा ओमेज में ओमेज्म रोमन रेटिकोलम उपस्थित होते हैं ओमेज अनुपस्थित होता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो दोस्तों घोड़े का होश का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो इक्वेस कैबालस होता है दोस्तों क्या होता है घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्वेस कैबालस जो होता है घोड़े का वैज्ञानिक नाम है मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो दोस्तों भारतीय ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रोमी होता है दोस्तों जो एक कुबड़ वाला पशु होता है एक कुबड़ वाला ऊंट होता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे कैनिस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है तो दोस्तों कैनिस फेमेलरिस जो है दोस्तों डोग का कुत्ते का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों कौन सा कैनिस फेमेलरिस ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे 341 दिन किस जानवर का गर्भकाल होता है तो दोस्तों यह घोड़ी का गर्भकाल होता है महीनों में बात करें तो दोस्तों ग्यारह माह और ग्यारह दिन के लगभग होता है इसका गर्भकाल किसका घोड़ी का ठीक है इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं ऊँटनी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है तो दोस्तों ऊटनी का जो गर्भकाल होता है ये 390 दिन का होता है तेरह माह तेरह दिन के लगभग ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा कुतिया का गर्भकाल कितने दिन का होता है तो दोस्तों कुतिया का गर्भकाल जो होता है ये दो माह और दो दिन का होता है लगभग साठ से बासठ दिनों का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे घोड़ी की प्रसव क्रिया को क्या कहा जाता है तो दोस्तों जो घोड़ी की प्रसव क्रिया है उसे फॉलिंग बोला जाता है क्या बोला जाता है घोड़ी के ब्याने की प्रक्रिया को दोस्तों फॉलिंग ऑप्शन नंबर बी राइट होगा ठीक है अगला क्वेश्चन घोड़ी के समागम की क्रिया, क्रिया क्या, क्या कहलाती है तो दोस्तों जो घोड़े के समागम की क्रिया होती है वो कवरिंग कहलाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कुतिया के प्रसरव की क्रिया को क्या बोला जाता है तो दोस्तों जो कुतिया के ब्याने की प्रक्रिया होती है प्रसरव क्रिया उसे वेल्पिंग बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ऊँटने के समागम की क्रिया क्या, क्या कहलाती है तो दोस्तों जो ऊँटने के मेटिंग की जो क्रिया होती है वो लखाना कहलाती है क्या कहलाती है लखाना ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे घोड़े के मांस को क्या बोला जाता है तो दोस्तों घोड़े के मांस को चैलाइन बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कुत्ता किस प्रजाति का जानवर है तो दोस्तों जो कुत्ता है ये कैनाइन प्रजाति का जानवर होता है मेरे दोस्तों कौन सी प्रजाति का कैनाइन प्रजाति का ठीक है इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे घोड़ा किस प्रजाति का जानवर है तो दोस्तों जो घोड़ा है इक्वाइन प्रजाति का जानवर है ठीक है अगला क्वेश्चन बद्याकरण किए हुए घोड़े को किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों किए हुए घोड़े को दोस्तों गिल्ड या ग्लेडिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बदयाकण किए हुए कुत्ते को दोस्तों क्या बोला जाता है तो दोस्तों जो किया हुआ कुत्ता होता है उसे डॉग के नाम से जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल यानी एनआरसीसी आर कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों यह जोड़ भीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है कौन सी एन आर सी सी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल जोहरबीड बीकानेर अगला क्वेश्चन एक ऊंट फार्म शुरू करने के लिए कम से कम कितने ऊंट चाहिए तो दोस्तों कम से कम एक ऊंट और एक गाड़ी की आवश्यकता होती है एक ऊंट फार्म शुरू करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिंगल साइड लाइन किस जानवर को नियंत्रित करने की विधि है तो दोस्तों यह हॉर्स घोड़े को नियंत्रित करने की एक विधि होती है कौन सी सिंगल साइड लाइन विधि अगला क्वेश्चन देखेंगे घोड़े को प्रतिदिन कितने लीटर पीने के पानी की आवश्यकता होती है तो दोस्तों घोड़े को प्रतिदिन छत्तीस लीटर पीने के पानी की आवश्यकता होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर यानी ऊंट को प्रतिदिन पीने के पानी की कितनी आवश्यकता होती है तो दोस्तों ऊंट को एक दिन में पानी पीने के लिए 20 से 40 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है अगला क्वेश्चन ऊंट ने मेथनों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों ऊटने के अंदर थनों की संख्या कितनी होती है चार थन उपस्थित होते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे कुतिया में थनों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों कुतिया के अंदर थनों की संख्या दस होती है ठीक है अगला क्वेश्चन घोड़ी में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं तो दोस्तों घोड़ी में केनाइन दांत अनुपस्थित होती है जिनकी संख्या कितनी होती है चार और लगभग दोस्तों घोड़े में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है चालीस तो घोड़ी में दोस्तों चार लैस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे छत्तीस दांत हो जाएंगे घोड़ी के अंदर ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों घोड़े <coughs> में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों चालीस होती है ठीक है अगला क्वेश्चन ऊंट में स्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों ऊंट के अंदर थर्टी फोर दांत होते हैं स्थाई ठीक है इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं घोड़े में फुल माउथ कंडीशन कितने वर्ष में हो जाती है तो दोस्तों घोड़े के अंदर चार पॉइंट पांच वर्ष के अंदर फुल माउथ कंडीशन हो जाती है यानी जो घोड़े का माउथ है पूरा दांतों से चार पॉइंट पांच वर्ष के अंदर भर जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे ऊंट में फुल माउथ कंडीशन कितने वर्षों में हो जाती है तो दोस्तों ऊंट के अंदर जो फुल माउथ की कंडीशन होती है ये लगभग सात वर्षों में कंप्लीट यानी उसका मुंह है जो दांतों से भर जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपका कुत्ते में स्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है कुत्ते के अंदर दोस्तों आपको स्थाई दांतों की संख्या बता देनी है कि कुत्ते के अंदर स्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों फोर्टी टू बयालीस दांत होते हैं कुत्ते के अंदर ठीक है अगला क्वेश्चन निम्न में से घोड़े को पहचान करने का तरीका कौन सा होता है तो दोस्तों जो हुप मार्किंग है ये घोड़े को पहचान करने का एक तरीका होता है ठीक है अगला क्वेश्चन टिविच किस जानवर को नियंत्रित करने का उपकरण होता है तो दोस्तों जो टिविच है ये घोड़े को नियंत्रित करने का एक उपकरण होता है ठीक है अगला क्वेश्चन घोड़े की सबसे बुद्धिमान नस्ल कौन सी होती है तो दोस्तों घोड़े की सबसे बुद्धिमान जो नस्ल होती है मणिपुरी नो पोलो और बी एस एफ यानी एस एस बी की भी जवानों के द्वारा काम में ली जाती है सीमा सुरक्षा के दौरान ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है तो दोस्तों घोड़े की जो सर्वोत्तम नस्ल है कि काठियावाड़ी नस्ल का जो घोड़ा है ये सबसे सर्वोत्तम नस्ल का घोड़ा होता है मेरे दोस्तों ठीक है उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपका घोड़े की कौन सी नस्ल पोलो ए मिलिट्री खेलों के उपयोग में ली जाती है तो दोस्तों मणिपुरी नस्ल का इसमें उपयोग किया जाता है पोलो ए मिलिट्री के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऊंट की निम्न में से राजस्थानी नस्ल कौन सी नहीं होगी तो दोस्तों जो मालवी नस्ल है ये ऊंट की राजस्थानी नस्ल नहीं होगी बाकी बीकानेरी मेवाती जालोरी ये राजस्थानी नस्ल हो जाएंगी इसके बाद में अगला क्वेश्चन बीएसएफ के द्वारा ऊंट की कौन सी नस्ल का उपयोग में ली जाती है तो दोस्तों जो जैसलमेरी नस्ल है ऊंट की दोस्तों यह बीएसएफ के जवानों के द्वारा काम में ली जाती है अगला क्वेश्चन आता है ऊंट की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है तो दोस्तों जो मालवी नस्ल है यह ऊंट की सबसे छोटी नस्ल है ठीक है अगला क्वेश्चन ऊंट की सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होती है तो दोस्तों ऊंट की जो सबसे सर्वोत्तम नस्ल होती है वो बीकारी बीकानेरी नस्ल के ऊंट होते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा कैमल डांस एवं कैमल पोलो के लिए प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल कौन सी है तो दोस्तों जैसलमेरी नस्ल प्रसिद्ध है अगला क्वेश्चन देखेंगे स्विमिंग कैमल के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तों जो खराई जाति यानी खराई नस्ल के जो ऊंट है उन्हें स्विमिंग कैमल के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे मैंग्रोव वनस्पति ऊंट की किस नस्ल की मुख्य भोजन है जो मैंग्रोव वनस्पति है ऊंट की कौन सी नस्ल का मुख्य है? भोजन है तो दोस्तों खराई जाति का ये जो खराई नस्ल के ऊंट है उनकी जो मैंग्रोव वनस्पति होती है मुख्य भोजन होता है अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन अरुमंथी जानवर की श्रेणी में नहीं आता है कि ऐसा कौन सा पशु है जो अरुमंथी जानवर की श्रेणी में नहीं आता है कुत्ता ऊंट सुअर घोड़ा तो दोस्तों जो ये ऊंट हो जाएगा ये एक प्रकार का आवासीय जानवर होता है बाकी घोड़ा सुअर कुत्ता ये एरोमंथी नॉन रोमिनेट्स की श्रेणी में आने वाले जानवर होंगे ठीक है अगला क्वेश्चन प्रथम पालतू जानवर कौन सा है दोस्तों कुत्ता हो जाएगा अगला क्वेश्चन बीमार जानवरों को रखा जाता है तो दोस्तों आइसोलेशन बॉक्स के अंदर बीमार जानवरों को रखा जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन बीकानेरी ऊंट में आंख के ऊपर पाया जाने वाला दशाव क्या कहलाता है तो दोस्तों स्टोव फोसा कहलाता है ठीक है स्टोव कहलाता है मेरे सॉरी दोस्तों कहलाएगा स्टोव ठीक है अगला क्वेश्चन निम्न में से घोड़े की चाल कौन सी होती है टोंट कैंटनर गैलोफ या ओलोफ बीज तो दोस्तों तीनों की तीनों जो चाले हैं ये घोड़े की चाले होती हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों भारत में ऊंट की कुल देसी कितनी नस्लें हैं तो दोस्तों भारत के अंदर जो ऊंट की कुल देसी नस्लें हैं वो नौ नस्लें हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे घोड़े की त्वचा की सफाई करना व नहलाना क्या कहलाता है तो दोस्तों ग्रोमिंग बोला जाता है घोड़े की त्वचा की सफाई करना एवं नहलाना ठीक है अगला क्वेश्चन सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या वाला जानवर कौन सा है तो दोस्तों कुत्ता जो डोग होता है इसके अंदर सेवनटी एट सर्वाधिक गुणसूत्र होते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन ऊंट एवं घोड़े में पहचान का सबसे अच्छा Osionfish. तरीका कौन सा होता है ऊंट एवं घोड़े में दोस्तों पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है ब्रांडिंग होता है मेरे दोस्तों ठीक है अगला क्वेश्चन घोड़ी में थनों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों घोड़ी के अंदर जो थनों की संख्या होती है कितनी दो थन उपस्थित होते हैं घोड़ी के अंदर ठीक है अगला क्वेश्चन कुत्ते में डॉकिंग की सही उम्र क्या होती है तो दोस्तों कुत्ते में तीन से पांच दिन के अंदर डॉकिंग कर देनी चाहिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा रायका एवं रहबारी मुख्यतः किस जानवर को पालने वाले समुदाय हैं तो दोस्तों ऊंट को पालने वाले ये समुदाय हैं रायका और रैबारी ठीक है <coughs> इसके बाद में अगले क्वेश्चन देखते हैं भारत में नाबाद एन बी जी एन बी एजीआर द्वारा पंजीकृत कुत्ते की नस्लें कितनी है तो तीन है दोस्तों नाबार के द्वारा दोस्तों जो कुत्ते की पंजीकृत नस्लें जो है ठीक है अगला क्वेश्चन घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों घोड़े के अंदर सिक्सटी फोर चौसठ गुणसूत्र उपस्थित होते हैं अगला क्वेश्चन में गुणसूत्रों की संख्या उपस्थित है? तो दोस्तो दोस्तो दोस्तों, दोस्तों, होते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे घोड़े में क्रिप्टोक्रिडिज्म कौन सा लक्षण होता है तो दोस्तों किसका कौन सा लक्षण होता है क्रिप्टोक्रिडिज्म होता क्या है कि दोस्तों किसी कारणवश जो वर्ष हैं जो वर्षण कोष में ही जो उसकी पहलु कैविटी होती है उसमें अटक जाते हैं यानी वर्षण कोश वर्षण जो है ये वर्षण कोश में नीचे नहीं उतर पाते हैं तो दोस्तों ये किसका लक्षण होते हैं तो दोस्तों लिंग सैलगन के कारण दोस्तों ये घोड़े में क्रिप्टोकिटिजन की जो अवस्था होती है दिखाई देती है ठीक है अगला क्वेश्चन ऊंट का सामान्य तापमान कितना होता है तो दोस्तों ऊंट का जो सामान्य तापमान होता है 99.5 डिग्री फेरेनाइट यानी निन्यानवे पॉइंट फाइव डिग्री फेरेनाइट जो होता है ऊंट का सामान्य टेम्परेचर होता है ठीक है इसके बाद में घोड़े के सामान्य टेम्परेचर के बारे में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं तो दोस्तों जो घोड़े का तापमान होता है सौ डिग्री फेरेनाइट यानी हंड्रेड फाइव डिग्री फेरेनाइट घोड़े का सामान्य टेम्परेचर होता है ठीक है इसके बाद में कुत्ते का सामान्य तापमान कितना होता है तो दोस्तों कुत्ते का जो सामान्य तापमान होता है एक सौ दो डिग्री फेरिनाइट होता है ठीक है अगला क्वेश्चन ऊंट की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है तो दोस्तों जो ऊंट की जो श्वसन दर होती है ये पांच से बारह प्रति मिनट यानी ऊंट एक मिनट के अंदर पांच से बारह बार सांस ले सकता है नॉर्मल <कुँँ>। अगला क्वेश्चन ऊंट की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी घोड़े की सॉरी दोस्तों घोड़े की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है तो दोस्तों जो घोड़े की सस सुंदर प्रति मिनट होती है वो आठ से बारह यानी जो घोड़ा है एक मिनट के अंदर दोस्तों आठ से बारह बार नॉर्मल सांसें ले सकता है ठीक है इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कुत्ते की ससुंदर प्रति मिनट कितनी होती है तो दोस्तों पंद्रह से तीस बार एक कुत्ता है जो एक मिनट के अंदर सांस ले सकता है इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं ऊँट की सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है तो दोस्तों ऊंट की जो सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट होती है ये पच्चीस से बत्तीस होती है मेरे दोस्तों ठीक है इसके बाद में बात करेंगे घोड़े की सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है तो दोस्तों पैंतीस से बयालीस प्रति मिनट नाड़ी दर होती है घोड़े की ठीक है बात करते हैं कुत्ते की सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है दोस्तों नब्बे से एक सौ बीस प्रति मिनट होती है घोड़े कुत्ते की सामान्य नाड़ी दर पल्स रेट ठीक है इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे घोड़े में आईवी इंजेक्शन देते समय कौन सी सिरा काम में ली जाती है जब घोड़े को दोस्तों आईवी इंजेक्शन दिया जा रहा हो तो उसकी कौन सी सिरा काम में ली जाएगी जुगलर वेन के द्वारा दोस्तों आईवी इंजेक्शन दिया जाता है घोड़े के अंदर ठीक है अगला बात करते हैं कुत्ते में आईवी इंजेक्शन देते समय कौन सी सिरा काम में ली जाती है तो दोस्तों कुत्ते के अंदर जो सिफेलिक वैन होती है आईवी इंजेक्शन देते समय काम में ली जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन घोड़े में नाइ दर मापने के लिए कौन सी धमनी काम में ली जाती है तो दोस्तों जो एक्सटर्नल मैगज़ेलेरी होती है इसे दोस्तों काम में लिया जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन जानवर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन के कितने प्रतिशत होती है दोस्तों आठ प्रतिशत होती है ठीक है अगला क्वेश्चन श्वसन क्रिया का पूर्णतः बंद होना क्या कहलाता है श्वसन क्रिया का दोस्तों पूर्णतः बंद हो जाना क्या कहलाता है एपीनिया कहलाता है ठीक है राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि वक्ष उदरीय श्वसन किस जानवर में देखने को मिलता है वक्ष्य उदरीय श्वसन किस जानवर में दोस्तों देखने को मिलता है घोड़े के अंदर ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा वक्षीय श्वसन देखने को मिलता है दोस्तों डॉग कुत्ते के अंदर वक्षीय श्वसन देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऊंट में सर्रा बीमारी का वाहक कौन होती है तो दोस्तों जो मक्खियां होती हैं ये ऊंट में सर्रा बीमारी का वाहक होती है अगला क्वेश्चन घोड़े में बबे को क्या कहा जाता है घोड़े में दोस्तों जो बबे नामक रोग हो जाता है उसे क्या बोला जाता है बाइलरी फीवर के नाम से जाना जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन घोड़े में थर्ड आईलाइड का भार आना एवं कांट के जैसी स्थिति होना किस बीमारी के लक्षण होते हैं तो दोस्तों ये होते हैं बीमारी के लक्षण ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन घोड़े का फ्लैंग की तरफ गर्दन करके देखना किस बीमारी का लक्षण होता है दोस्तों कोलिक बीमारी का लक्षण होता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे कोलिक के उपचार में दी जाने वाली दर्द निवारक औषधि कौन सी है तो दोस्तों कोलिक के उपचार के अंदर दोस्तों कौन सी औषधि दी, दी जाती है जो दर्द निवारक औषधि है? है दोस्तों तो दोस्तों फ्लोनोक्सिन जो औषधि है ये दी जाती है ठीक है इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे ट्रोंकराइजेशन किसका उपचार होता है ट्रोंकराइजेशन जो होता है दोस्तों किसका उपचार होता है फटाफट से राइट आंसर देंगे तो दोस्तों ये जो ट्रोंकराइजेशन होता है आफ्रे का उपचार होता है ठीक है अगला क्वेश्चन कोलिक किस जानवर में ज्यादातर देखने को मिलता है तो दोस्तों जो कोलिक है घोड़े में देखने को मिलती है अगला क्वेश्चन देखिएगा एक घोड़ा जिसके फेफड़ों से गरगर -गर की आवाज आ रही है मुंह से रक्त बाहर आ रहा है तो यह कौन सी बीमारी को इंगित करता है तो दोस्तों यह पल्मोनरी हिमोरेज को दोस्तों इंगित करता है पीपीएच को ठीक है अगला क्वेश्चन कुत्ते में बालों का झड़ना जुर्दार एवं कोपर लाल रंग की त्वचा किस बीमारी में होती है तो दोस्तों ये सभी डोमोडेक्टिक मेंज मेंज के अंदर दोस्तों होते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन कुत्ते में ईयर मैंज का कारक कौन सा होता है तो दोस्तों जो कुत्ते में ईयर मैंज का कारक होता है ऑटोडेक्ट जो होता है कुत्ते में ईयर का कारक होता है ठीक है अगला क्वेश्चन सर्रा का सर्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो दोस्तों सर्रा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सड़ा हुआ होता है ठीक है इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कि सर्रा बीमारी का वाक कौन होता है जो टेबेमस फ्लाई मक्खिया जो होती हैं दोस्तों ये शर्रा बीमारी के वाहक होती हैं ठीक है इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं सर्रा बीमारी के उपचार में पैरामाइन सल्फेट औषधि देने की खुराक दर एवं मार्ग क्या होती है चार पॉइंट चार एम जी पर केजी के जी बॉडीवीट सबकट के माध्यम से दोस्तों ये दी जाती है ठीक है इसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन यूरिया की जाँच होती है उसे बेंजेडाइन टेस्ट बोला जाता है ठीक है इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कुत्ते में किस बीमारी को इंस्टेग्रेट डिजीज के नाम कहा जाता है तो दोस्तों लेप्टो लेप्टोस्पायरोसिस को दोस्तों कुत्ते के अंदर इंस्टेग्रेट डिजीज के नाम से जाना जाता है ठीक है अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे घोड़ी में लैक्टेशन टिटनी किस खनिज की कमी से होता है तो दोस्तों सभी जानवरों में एम की कमी से होता है लेकिन दोस्तों जो घोड़ी होती है इसके अंदर कैल्शियम सी की कमी के कारण दोस्तों होता है लैक्टेशन टिटनी तो दोस्तों ये जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे घोड़े डॉग और दोस्तों कैमल के ऊपर तो दोस्तों ये आपके एस एस के जो कॉन्स्टेबल का ट्रेड टेस्ट होने वाला है दोस्तों उसमें मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले एक बार कंप्लीट एक क्लास जरूर देख लेना थैंक यू दोस्तों धन्यवाद